अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट लूँ, ठीक है, और टॉ में ले लूँ पी ऑफ एक्स, और बी में मैं क्या ले लूँ, टॉ के अंदर आने वाले कौन कौन से सबसेट्स, सिंगलटन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो खुद सोचें भाई, टॉ का कोई भी एलिमेंट यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स ही होता है ना, क्या ख्याल है? जी सर। तो बेस की मेन डेफिनेशन यही होती है कि अगर टॉप का हर ओपन सेट आपको बी के सेट्स की यूनियन में लिखा जाए तो वो उस बी को उस टॉप का क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा था कि अगर मैं टोपोलॉजी ले लूँ, कौन सी सबसे बिगर टोपोलॉजी, पावर ऑफ एक्स, तो इसकी बेस क्या होती है, सिंगलटन सेट्स की यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है, अगर मैं टॉ ले लूँ इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है, तो मुझे बताएं इसकी बेस क्या होगी, ये आपका कोई बता सकता है अभी? देखिए ना, टॉ एक्स नॉन एम्प्टी सेट लें और टॉ लें आप क्या क्या, फाई और एक्स, तो मैं पूछ रहा हूँ बेस क्या होगी इस टॉ की, ये तो खुद ही आ जाएगा पूरा। थोड़ा सोचिएगा और कोई। तो आप फाई को कैसे लिखेंगे एक्स की यूनियन में? एम्प्टी यूनियन, थोड़ा एम्बिग्यूस सा कॉन्सेप्ट है लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है, एम्प्टी। देखे ना, फिर अगर जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि सिंगलटन सेट्स की यूनियन में कैसे लिखते हैं, तो फिर आपको ये भी सोचना चाहिए था कि जो टॉ के अंदर फाई है उसको हम सिंगलटन की यूनियन में कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होता है, एम्प्टी यूनियन नहीं होती जो। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1.4, तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, वी शो दैट दी क्लास बी कंसिस्टिंग ऑफ ए बी बी सी, दैट इज, कहता है बी के अंदर मैंने ये दो लिए ए बी और बी सी, कैन नॉट बी अ बेस फॉर एनी टोपोलॉजी। कहते हैं यार अब देखो, अब तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी में, तो कितनी टोपोलॉजीज बनती हैं तीन एलिमेंट्स हों, 29 बनती है। तो कहता है कि अगर मैं बी ये ले लूँ ना, बी में ये ले लूँ, तो कहता है कोई भी आपको टोपोलॉजी ऐसी नहीं मिलेगी जो कि जिसकी बेस ये बी हो, ठीक है। तो कहता है क्यों, रीजन क्या हो सकती है, फॉर देन ए बी एंड बी सी वुड देमसेल्फ बी ओपन एंड देयर फॉर देयर इंटरसेक्शन इज सिंगलटन सेट बी वुड ऑल्सो बी ओपन, बट बी इज नॉट द यूनियन ऑफ मेम्बर्स ऑफ बी। तो जो ये देखें ना कि ये जो सिंगलटन सेट बी आ रहा है, ठीक है, सिंगलटन सेट बी भी तो किसी टोपोलॉजी में आ रहा होगा ना, ठीक है, तो मेरी बात समझ आ रही है भाई? जी सर। मेरी बात सुने, ये जो बी के एलिमेंट्स हैं ए बी और बी सी, ठीक है, तो पहली बात तो ये, मैं इस बेस को किसी उसी टोपोलॉजी की बेस मानूंगा ना जिसके अंदर ये बी कंटेन होगा, ठीक है। मैं आपको करके बता देता हूँ, शायद आपको ये बातें ऊपर से गुजर रही हों, मैं नहीं चाहता कि आपके लिए ना आए समझ। मैं कह दूँ, देखिए भाई, कोई भी टोपोलॉजी रहे, वैसे 29 बनती है, मैं सारी डी बना सकता, लेकिन मैं एक बना रहा हूँ, ये बी। अब मुझे नहीं पता इधर आगे क्या आता है, इधर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी और यूनियन ऑफ बी सी, यस और नो? नो सर। नो सर, इंटरसेक्शन। तो बात सुने ना, तो बेसिकली डेफिनेशन ही फेल हो गया कि आपने एक ओपन सेट लिया टॉम है, जी ये जी है आपका, तो मैं उसको नहीं लिख सकता बी के मेंबर्स की यूनियन में, ठीक है। तो इट्स मीन ये वाली जो बेस, ये वाली जो बी है, ये वाली कौन सी वाली, ए बी और बी सी, ये एटलीस्ट इस तरह की टोपोलॉजीज की बेस नहीं होगी जिसके अंदर सिंगलटन सेट बी आ रहा होगा। जिसके अंदर सिंगलटन सेट क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। अब आपने सोचना है कि क्या और क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, इसी तरह अगर किसी में सिंगलटन ए आ रहा होगा, तो अगर थोड़ी देर के लिए भी आप सोचें ना, तो 29 टोपोलॉजीज में तीन तो वो थी जिनके अंदर सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी आता है, ठीक है, समझ आ रही है बात? इसी तरह आई थिंक चार या आठ वो होती हैं जिसमें दो दो एलिमेंट्स आते हैं,
तो जिनमें दो दो एलिमेंट्स आएंगे स्टिल ये वाले उनकी यूनियन के बराबर नहीं होंगे। इसमें थोड़ा सा काम करिएगा बेसिस पे, तो ये भी बेस नहीं होगी। क्लियर है? अब मैं बेस का थ्योरम लिख रहा हूँ, ये 6.1 बेस का थ्योरम लिख रहा हूँ 6.1। तो क्या कह रहा है, लेट बी बी अ क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, देन बी इज अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ एंड ओनली। देखिए हम अभी एग्जांपल करके आए हैं और उस एग्जांपल ने हमें कंफ्यूज किया थोड़ा। तो कहता है आज मैं ना आपको थ्योरम बता रहा हूँ, ये कहता है अगर आपने चेक करना हो कि बी, देखिए ना मेरी बात सुने, अब एक्स तो ये तीन एलिमेंट्स और 29 टोपोलॉजीज बनी है, ये तीन एलिमेंट्स का सेट था और उसमें 29 टोपोलॉजीज बनती हैं। तो जब एलिमेंट्स बढ़ाएंगे तो अब इतनी ज़्यादा टोपोलॉजी, हमें कैसे पता चलेगा ये बी किसका किसकी बेस है या किसकी बेस नहीं है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, थ्योरम है आपके पास। कहता है अगर आपने बी बी ए क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ नॉन सेट एक्स, कहता है देन बी इज अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ इट पोसेसिस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। कहता है बी किसी टोपोलॉजी की बेस हो सकता है, किसी टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी के आई डोंट नो। तो कहता है दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है कि जो एक्स है ना वो बी के एलिमेंट्स की यूनियन हो। एक्स क्या हो? बी के एलिमेंट्स की यूनियन हो। देखें ऊपर वाला बी ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, क्या ख्याल है? कर रहा था ना, ए बी सी बन जाता है ना इनके बी के एलिमेंट्स। तो नॉर्मली तो नॉर्मली ना ये पहली प्रॉपर्टी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये नॉर्मली होल्ड कर जाती है। अगली सुने जाए और मुझे आप बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कहता है फॉर एनी बी एंड बी स्टार बिलोंग्स टू बी, कहता है बी के अंदर कोई भी दो सेट्स, मजे की बात हमारे पास पड़े हुए हैं ए बी और बी सी। बी इंटरसेक्शन बी स्टार इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी, और इक्विलेंटली इफ पी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन बी स्टार देन बी पी बिलोंग्स टू बी एंड सच दैट पी ए। तो खैर कहानी लंबी हो गई है, मेन चीज़ ये था कि जो जो इंटरसेक्शन है बेसिस के एलिमेंट्स की वो क्या हो, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी हो। तो इधर से ही आप देख लें ए बी और बी सी की यूनियन क्या थी, सॉरी इंटरसेक्शन क्या थी, बी थी ना, बी हाँ बी थी, और ये बी जो है उसकी यूनियन नहीं है। तो ये बेस्ट है किसी बेस को बेस चेक करना कि वो है या नहीं है, बात याद रहेगा। और जो इसने इक्विवेलेंटली स्टेटमेंट लिखी है ना, ये भी एक्चुअली वही है कि अगर आप इंटरसेक्शन में से कोई एलिमेंट ले लें, ठीक है। अच्छा हमारे ऊपर बे बीस जो बेस थी ना उसमें एलिमेंट ही दो थे, अगर दो से ज़्यादा हो तो ऑल पेयर चेक करने होते हैं, ठीक है। अभी तो लकीली दो ही एलिमेंट्स थे ना, तो अगर दो से ज़्यादा हो तो पेयर बनाएंगे। तो खैर देन देयर एग्जिस्ट, ये आप देख लीजिएगा 6.1। अब मुझे ये एग्जाम्पल 1.5 सोच के बताएं कि ये क्या कह रहा है। लेट बी द क्लास ऑफ ओपन क्लोज इंटरवल्स इन द रियल लाइन आर। ओके क्लियरली आर इज द यूनिट। अच्छा मैंने आर की बेस बता के आया हूँ ऊपर भी, आपको आर की बेस क्या थी, ओपन इंटरवल्स बेस बनाते हैं ना आर। इंटरवल तो अब हम एक और बी ले रहे हैं, तो क्या पता हम ये चेक करना चाह रहे हैं बेसिस एक से ज़्यादा हो भी सकती हैं। तो बी में उसने ऐसे ऐसे इंटरवल्स ले लिए हैं जो ओपन क्लोज हैं, तो एक वो लोग सॉल्यूशन पढ़ लें जिनको नहीं पता, और कुछ लोग खुद सोचें क्या ये बेस बनाएगा। क्या हुआ सर? मैं 20 से भी ज़्यादा, 9 बजे 9 o'clock। एक्सक्यूज जी मी सर, ये जो बी है ये हमें खुद बनाना पड़ेगा फिर हम आगे उस कंडीशन की तरफ जाएंगे, समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब आप किस सेंस में बोल रहे हैं ये जो बनाना पड़ेगा, मतलब बनाना, मैं वैसे ना आपका एमसीक्यूज कवर करवा रहा हूँ और बेस का एमसीक्यूज मैंने एक बार ही देखा हूँ, और पता क्या था, ये था ये थ्योरम था ये बार। इसी थ्योरम की बात कर रही हूँ कि ये जो एक्स है यूनियन ऑफ बी है, तो बी पता होगा तो देन हम फिर चेक करेंगे ना, तो फिर बी हाँ दिया हुआ होगा या हम खुद। हाँ
मुझे मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, मैंने अभी तक एमसीक्यूज देखे ही नहीं है बेस का, क्योंकि इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो मुझे यही लग रहा है कि बी दिया हो और वो चेक, वो कहेगा चेक करेगी इसकी बेस है या नहीं है, तो आपने दो प्रॉपर्टी सेट चेक करनी होगी कि एक तो वो यूनियन जो है आपका बड़ा सेट आ जाए एक्स, और फिर क्या है कि हर दो सेट्स की इंटरसेक्शन क्या हो यूनियन, आप बताइए। यूनियन ऑफ हाँ, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी ही हो, तो बस ये प्रॉपर्टी बी जी दिया होगा और बेस चेक करनी होगी। तो जी एग्जाम्पल 1.5 देख लें इसको और देख लें भाई कि ये भी बेस बन जाती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ओपन क्लोज भी बनता है, क्लोज ओपन ये भी बेस बनती है। ठीक है ना? ठीक है भाई, यस सर तो तीन आपको बेसिस पता चल गई हैं आर की, एक ओपन इंटरवल जो बहुत जो कि बहुत बेसिक है, और उसके बाद क्लोज ओपन और ओपन क्लोज सारी बेस बनती हैं। अब सब बेस क्या था, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना पीपीएससी का जो इंटरव्यू मैंने दिया था ना 2017 में ना, तो मुझे सब बेस का इतना से अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं था। खैर मैंने तैयार तो किया हुआ था, तो उसने जब मेरा इंटरव्यू ले लिया ना, तो मुझे मुझे एंड पे कहता है यार मुझसे कुछ पूछो। मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है, मतलब मैं समझ रहा था माइंड कर देंगे, कहते नहीं, आप मुझे एज अ टीचर ट्रीट करें और मुझसे सवाल पूछें कि मैं आपको कुछ समझाऊंगा। मैंने कहा सर मुझे सब बेस क्लियर नहीं होती, तो वो समझा रहे, तो कहते उसने मुझे आगे से कहा था मुझे भी क्लियर नहीं है लिहाजा जाओ। ये पीपीएससी के मतलब ये बात थी। तो खैर, लेट एक्स टारगेट टोपोलॉजिकल स्पेस अ क्लास, अच्छा ये मतलब इसे मैं क्या पढ़ूंगा, जी भी सिंबल है, ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स दैट इज दिस इज कंटेन्स इज अ सब बेस फॉर द क्वालिटी ऑफ अनडिफाइंड सेट ऑफ नंबर्स। थोड़ा पढ़े जरा इसको, कहता है आप जो टॉ है ना कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, ठीक है, तो एक क्लास वो डिनोट कर रहे हैं, चलो मैं इसको एस कहता हूँ, एक क्लास एस है ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, तो डेफिनेटली जो सब जो एक्स के ओपन सबसेट्स होते हैं वो टॉ के एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इक्विवेलेंटली यही बात है कि जो एस है वो टॉ का सबसेट होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो कहता है इस एस को हम सब बेस कहते हैं टोपोलॉजी की इफ एंड ओनली इफ, ये वर्ड गौर से पढ़ेंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। ये कैसे, इसका मतलब क्या है फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ एस? के मतलब जो एस के एलिमेंट्स आप ले रहे हैं ना उनकी उसके, इंटरसेक्शन जो हाँ फाइनाइट हाँ उसके जी पहले मतलब दो दो के इंटरसेक्शन लेते जाएं और जो आंसर आए उसको एक सेट में डालते जाएं, फिर तीन तीन के लिए, फिर चार चार के लिए, ओवरऑल जितने भी आपके एस के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते जाएं, तो जो आंसर आ रहे हैं ना वो अगर टोपोलॉजी की बेस बनाते हैं, तो उस उन आंसर्स को टोपोलॉजी की बेस कैसे चेक करेंगे पिछले थ्योरम से? समझ आ रही है? समझ आ रही है? सर पिछले थ्योरम से बेस चेक करेंगे, अगर वो बेस हुई तो वो क्या हो, तो जो आपकी कलेक्शन एस है वो सब बेस हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन याद कर लें अगर कोई इशू आपको होता है तो। ठीक है, हमारा टोपोलॉजी में अगला टारगेट दो है, एक है कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस, और मेन चीज़ है सेपरेशन एक्सियम्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह चलते हैं वहाँ। तो पढ़ते हैं जी, ऑब्जर्व दैट एवरी ओपन इंटरवल ए बी इन रियल लाइन इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स ए इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, कहता है ए बी हम इन दोनों की इंटरसेक्शन होती है, बिल्कुल डेफिनेट सी बात है, बट अ ओपन इंटरवल्स फॉर्म अब देखिए बेसिकली ये देखिए, ये दो ऐसे ए से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू बी, ये सब बेस के एलिमेंट बनने जा रहे हैं, तो बेसिकली मैंने इनकी इंटरसेक्शन ली ना, तो मेरे पास क्या आ गया, ए बी ओपन इंटरवल आया। तो मैंने अब चेक करना है क्या ये ए बी ओपन इंटरवल्स आर की बेस बनाते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है बनाते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो इस तरह के इंटरवल होंगे ना ए से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू बी, ये आर की क्या बनाएंगे, सब बेस बनाएंगे। समझ रही बात, ये बात समझ रही है, मैं तो लिख रहा हूँ, जी सर नहीं गुड हो गया। मैं पढ़ रहा था सब बेस, सब बेस कहते हैं कि अगर एक्स कोई भी टोपोलॉजी है आपके पास
और एस आप एल लेते हैं उसका सबसेट टोपोलॉजी का, ठीक है ना? तो हमने चेक करना है कि एस सब बेस है या नहीं है। मैं आपको डेफिनेशन याद करवाना चाह रहा हूँ, तो कैसे चेक करेंगे आप? क्या करें, एस के एलिमेंट्स लेते जाए, एस के एलिमेंट बी वन इंटरसेक्शन बी टू, उनके इंटरसेक्शन कोई भी सी वन आ जाता है, इसी तरह बी टू इंटरसेक्शन बी थ्री करें, इसी तरह सी टू आ जाता है। अब ये जो कलेक्शन है ना, इसको चेक करना है कि ये बेस है टॉक या नहीं। तो इसके लिए आप पुराना थ्योरम लगाएंगे कि इनकी यूनियन क्या होनी चाहिए, पहली बात बोले शाबाश एक्स होने चाहिए, और क्या हो, इंटरसेक्शन इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइनाइट यूनियन हो इन्हीं की। फाइनाइट तो अब बेसिकली मैं आर की सब बेस तलाश करना चाह रहा हूँ, ठीक है? आर की मैं सब बेस तलाश करना चाह रहा हूँ, और वो क्लेम कर रहा है कि ए से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू बी। अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, जब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो ये एज अ सब बेस के एलिमेंट ट्रीट हो रहे हैं। तो इंटरसेक्शन लूंगा तो ए से बी आएगा, ये ए से बी क्यों आएगा, ये थोड़ा सा सोचिएगा क्यों आता है। इसमें भी कंडीशन है कि बी ए लेस देन बी होना चाहिए, अदरवाइज नहीं आता। तो खैर अब ये वाला ना, आपको पता है कि आर की बेस बनाता है कि नहीं बनाता? तो जब जी सर, इंटरसेक्शन ये आ रही है सी वन और सी, जो इस तरह के इंटरवल्स होते हैं ना, ये आर की बेस बनाते हैं। तो लिहाजा जो ये वाले इन्फिनिट सेमी इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स है ना, ये क्या होंगे, आर की सब बेस होंगे, ठीक है? ओके थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊं, और नहीं आई तो प्लीज़ इसको रीड करिएगा। उसके बाद वो आर स्क्वायर की सब बेस की तरफ जा रहा है। मुझे शॉम सिर्फ में अच्छा लगता है कि एक रिदम से चल रहा होता है। पहले उसने ना डॉक्टर आसिम क्या लगा, पहले उसने आर की बेस बनाई, फिर आर की सब बे, आर की बेस तीन थी, मैंने आपको बताया था, ओपन इंटरवल्स और सेमी ओपन इंटरवल्स, मतलब ओपन क्लोज क्लोज ओपन, और अब वो आर की सब बेसिस पे आ रहा है। तो ये थोड़ी सी देख लें कि इनफिनिट इंटरवल्स होती हैं, ठीक है? और आर स्क्वेयर की जो बेस है ये आप देख सकते हैं, ये बनाती है। वैसे आर स्क्वेयर की बेस कौन सी होती है, बेस सब बेस की बात नहीं कर रहा, ओपन डिस्क, ओपन डिस्क ओपन होती डिस्क है। तो जो रेक्टेंगल्स होती हैं ये होती हैं आर स्क्वेयर की सब बेसिस, ठीक है? तो उसके बाद है टोपोलॉजी जनरेटेड बाय अ क्लासेस ऑफ सेट्स। जी जल्दी ऑनलाइन आए, ठीक है? मैंने वाइवा ले रहा हूँ, आप आएंगी क्लास में? तो भी ये अब बच्चे भी यही कह रहे हैं सर, हमारी तो भी ये भी जल्दी आए। अच्छा तो अच्छा पता बात क्या है, मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं सिर्फ देखता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है बताने का। लेकिन आपने, मैं तो पढ़ते ही रहता हूँ, तो आप भी इसको रीड कर लीजिएगा। अब इसने एक बात की है कि बनाते कैसे हैं टोपोलॉजी, यार कैसे बनाए, मतलब इस बात का मतलब समझा रहा है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। तो वो कुछ एग्जांपल ले रहा है बड़ी मज़े मज़े की, आप इसको 3.12 को समझेंगी तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है? तो लोकल बेस की बात बाद में वो कर रहे हैं। प्लीज टी नॉट एक्सियम क्या है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स हों, ये क्या है, देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन सेट विच कंटेन्स वन ऑफ द पॉइंट्स बट नॉट द अदर, और ये बात ट्रू होनी चाहिए फॉर एनी टू पॉइंट्स के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं। तो ये आपके पास एक स्पेस, लेट मैं करता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना? और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक्स के साथ सिंगलटन सेट रख दूँ तो ये टोपोलॉजी बन जाती है, ठीक है? तो इसको वाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं कि टी नॉट स्पेस क्या होती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन
एटलीस्ट वन ओपन सेट विच कंटेन्स वन बट नॉट द अदर, नॉट द अदर। तो एग्जाम्पल ले रहे, कहता है एक्स के अंदर मैं अगर ए बी ले लूं, ठीक है ना, और टॉम मैं ले लूं क्या फाई एक्स और सिंगलटन ए, तो ये टी नॉट स्पेस है। तो चेक करें ये बार ट्रू हो रही है इस पे, आप ए और बी ले सर हो रही है जी सर, ए और बी आप ले लें, और आप कोई यू मुझे बताएं जो टॉ के अंदर ओपन हो और इन में से किसी एक को कंटेन कर रहा हो लेकिन दूसरे को ना कर रहा हो। पहली बात है, अगर मैं यू लेता हूँ, यू यू वन में लेता हूँ एक्स, ठीक है ना, इसमें पहली बात है ओपन सेट्स कितने हैं, ये तीन ओपन सेट्स हैं जो कि टॉ में ओपन है, ठीक है। तो अब मैंने पॉइंट्स लिए हुए ए बी, ठीक है ना, तो अब देखें पहली बात तो ये तो इसको कंटेन नहीं करता लिहाजा इसको इग्नोर करें, ये कंटेन करता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों को कंटेन कर रहा है। आप कंडीशन क्या होती है कि एक एक को कंटेन एक को करे, कंटेन दूसरे को ना कंटेन करे। इसी तरह ये देखें आपको एक एक सेट मिल जाता है ओपन जो को जो कि ए को कंटेन कर रहा है, ए बिलोंग्स टू यू थ्री बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू यू थ्री, लिहाजा ये जो स्पेस है ये टी नॉट स्पेस है। और मेरी बात याद रखिएगा, ये डेफिनेशन ट्रू है फॉर ऑल ए बी के लिए। अभी तो हमारे पास एलिमेंट थे ही दो ना, अगर तीन होते क्या फिर क्या करता, कितने केस बनते अगर तीन होते तो फिर उनमें से किसी दो को कंटेन करें, किसी दो को ना कंटेन हम फिर अगर फॉर एग्जांपल सी होता ना तो फिर हम तीन पेयर बनाते ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों पेयर्स के लिए ओपन सेट ढूंढते कोई कम से कम, क्योंकि डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट फॉर सम, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो टी नॉट स्पेस में ना जो डेफिनेशन है वो फॉर ऑल ए बी के लिए है ना, फॉर ऑल ए बी के लिए, बात समझ आई। तो यस सर, तो ये मैं एग्जांपल नंबर टू करवा रहा था कि टी नॉट स्पेस बन जाती है। अच्छा वैसे सिंगलटन जो सिंगलटन वाली टोपोलॉजी होती है मैं पहले बता चुका हूँ, इसका हम सिरपिंस की टोपोलॉजी कहते हैं, सिरपिंस की टोपोलॉजी, ठीक। और उसके बाद है ये, सोचे जरा, लेट एक्स बी एन इनडिस्क्रीट स्पेस विद एटलीस्ट टू पॉइंट्स, देन एक्स इज टी नॉट स्पेस, इज देन एक्स इज नॉट अ टी नॉट स्पेस, क्या प्रॉब्लम होगी। इनडिस्क्रीट स्पेस क्या होती है जिसमें खुदा का खौफ खाएं, जिसमें फाई और एक्स होगा तो वो डेफिनेटली जब डेफिनेटली अब यू चूज करेंगे तो वो दोनों पॉइंट्स को कंटेन कर लेगा ना, इसीलिए वो कंडीशन, इसीलिए वो टॉप, इसीलिए कंडीशन लगा रहा है कि एक्स में कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर एलिमेंट एक होगा फिर वो बी बन जाएगी, बात समझ आ रही है, क्योंकि उसमें एलिमेंट एक होगा तो फिर कहता है एटलीस्ट टू की तभी वो कंडीशन लगा रहा है। अच्छा अब रियल लाइन के बारे में सोचें जरा, सोचे मैं आपका वेट कर रहा हूँ, रियल लाइन टी नॉट होगी या नहीं होगी, सुनाओ ना यार, मैं डिफरेंट लोग से शॉम्स है, शॉम्स सीरीज की स्टार्ट किया, ये लोग ये सर ये बन जाएगी, बन जाएगी, एक आंसर आया भाई, बाकी क्या कर रहे हैं, तो बन जाएगी तो ठीक है, जो भी के बताएगा हमें उससे हेल्प चाहिए। वैसे मैंने भी देखा नहीं है कि वो एक्स हम ले रहे हैं नंबर टू, एक्स हम ले रहे हैं आर, ए में ले रहा हूँ वन, बी में ले रहा हूँ टू, चलिए जी मुझे कोई ओपन एक ओपन सेट बताएं जो इसमें से एक मुझे चाहिए ना, तो बताएं शाबाश सर, वन के लिए माइनस वन और लगते हैं, मतलब वन से क्या करूँ, वन से वन कर दूँ, 1.5 कर दें, 1.5 बस, ठीक है, सिंपल इज दैट। ये मैंने यू ले लिया जो कि 1 इसको क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये किसी को याद आया होगा मैंने क्यों लिखा है, आगे से बिलोंग करवाना सर, सर मारे होते थे
अब बी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, बी डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो सिंपल इज दैट आर क्या है, टी नॉट स्पेस बन जाती है। तो ये आप देख लें जी, द रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज अ टी नॉट स्पेस। बात समझ आ गई। उसके बाद सब स्पेस ऑफ अ टी नॉट स्पेस आर टी नॉट स्पेस, तो ये उसने ना नीचे शो भी किया होगा। अच्छा मुझे बताएं कि हमने कल ना सब सब स्पेस की बात कैसे की थी, कोई मुझे डेफिनेशन बताएं जरा, मुझे भूल गई। एक्स कोई भी टोपोलॉजी हो, वाई एक्स का सबसेट हो, ठीक है, वाई एक्स का सबसेट हो, तो टॉप वाई किस तरह का होता था बताएं जरा शाबाश, इसके अंदर किस तरह के सेट्स आते थे? बोले भी सर एक्स के फॉर्म में आते थे जो नहीं नहीं जी इंटरसेक्शन वाई आते थे, और ये जी कहाँ से आते थे? एक्स के अंदर ओपन होते थे। भूल गया बिल्कुल, रिलेटिव वाली। हाँ हाँ उसी की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, यही होती है ना सब स्पेस रिलेटिव। यस सर। तो अब आगे चलते हैं जी, ये भी वो यही बात कर रहे हैं। देखो कहता है, उसने प्रूफ भी कर दिया, कहता है अगर मैं एक्स टॉ कोई टी नॉट स्पेस लेता हूँ और वाई मैं एक्स का सबसेट लेता हूँ, ठीक है, तो अ सब स्पेस ऑफ एक्स एंड ए एंड बी आर टू। अब मैंने वाई को चेक करना है ना, मैंने वाई को चेक करना है कि वो होगी या नहीं होगी, तो मैं ए और बी लूँगा वाई में से, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ वाई, देन ए बी आर इन एक्स, ऑब्वियसली बात अगर वाई में है तो एक्स में भी होंगे। तो सिंस एक्स इज अ टी नॉट स्पेस, तो टी नॉट स्पेस है तो आपको एक यू मिल जाएगा ना, जो कि एक को कंटेन करेगा जो दूसरे को कंटेन नहीं करेगा। तो जब उसके आप वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो स्टिल क्या होगा जी, क्या क्या होगा? इनमें से एक नंबर होगा एक नहीं। हाँ मतलब अगर एक एलिमेंट यू में है, और जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो वाई में तो दोनों हैं ही हैं, लेकिन जब जी इंटरसेक्शन लूंगा, जब इंटरसेक्शन लूंगा तो चूंकि वो यू में, दूसरा बी वाला यू में नहीं है, लिहाजा वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम था, ये पी नॉट बन जाती। क्लियर हुई कि नहीं हुई है? फिर मैं इसको एग्जाम्पल ले करवा लूँ, ठीक है सर, हो गई। उसके बाद ये थ्योरम आपने रटना है, अ स्पेस एक्स इज अ टी नॉट स्पेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी ए बी इन एक्स, और ए और बी डिफरेंट हो और उनके क्लोजर भी डिफरेंट आए, ठीक है। तो कहता है अगर सिंगलटन सेट्स के क्लोजर डिफरेंट आते हैं तो स्पेस क्या होती है? टी नॉट स्पेस होती है। तो इस पे रोशनी डालें थोड़ा सा, कोई एग्जांपल दें मुझे ज़रा। इस पे थोड़ी रोशनी डालें प्लीज़, ऐसे रोशनी नहीं डालनी मोबाइल ले। हेलो लाइट चली गई, रोशनी डालनी है भाई, क्या हो गया सर? रियल स्पेस की कोई एग्जांपल ले ले मुझे दे ना, मैं तो बना ही लेता हूँ कुछ जोड़ तोड़ करके। अक्सा आप कह रही हैं शायद, अक्सा हम कैसे मतलब कहेंगे कि वो, चलिए आप रियल की बात कर रही हैं तो मुझे बताएं मैं कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स लूं जिनके कोई डिफरेंट। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, रियल लाइन के अंदर सिंगलटन सेट का क्या होता है क्लोजर? एम्प्टी होता है। तो नहीं क्लोजर, क्लोजर्स पूरे के बराबर आते हैं, ड्राइव एम्प्टी होता है, वही आता है ना क्लोजर उसका, वही आता है ड्राइव उसका, जी जी मतलब सिंगलटन एम्प्टी होता है ना, फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, लेकिन जो क्लोजर होता है वो तो खुद ही बना जाता है ना, ठीक है। तो मुझे अब क्यों नहीं बता रही, मुझे टेंशन हो रही है, ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं एक्स ले लूँ आर और मैं सिंगलटन वाई ले लिया, इसका क्लोजर निकालें, क्लोजर क्या होता है इसका? इटसेल्फ वन वन टू यूनियन। आप सबको याद होगा कि मैंने बताया था आर के अंदर फाइनाइट सेट क्या होता है, हैज नो एम्प्टी ड्राइव सेट नहीं, हैज नो एम्प्टी, हैज नो एलिमेंट पॉइंट।
इसका आएगा ट्राई स्टेट, इसका सॉरी क्लोजर ये आएगा, इसका क्लोजर ये आएगा। तो खुद सोचें क्या ये बात हर दो एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं होगी, हर दो एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी ना, मतलब वन जी टू सर, या फिर पॉइंट भी लेते हैं डेफिनेटली। अब आर है मैं ले तो नहीं सकता, तो लिहाजा आर जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा हम क्या कहेंगे जी के वो बन जाता है टी नॉट स्पेस। अब हम ऊपर एक एग्जांपल करके आए हैं, एक्स में मैंने लिया था ए बी सादी अंजुल, और सुमेरा मैंने क्या लिया था, टॉम मैंने क्या ली थी, सिरपिंसकी मैंने क्या ली थी, फाइव एक्स और आतिफ ए लिया था अगर याद हो रहा है, ऐसी बात है भाई सारों। तो इसमें सोचे जरा, शाबाश सोच जल्दी करें, ए का क्लोजर मुझे बताएं, बी का क्लोजर मुझे बताएं। पहली बात है क्लोजर के लिए मैंने क्या कहा था बताएं शाबाश, कॉम्प्लीमेंट लेने होते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बी आएगा। व्हाट आर दिस, ये क्या चीजें हैं, ये क्लोज सेट्स हैं ना। तो क्लोजर क्या होता था याद है, क्लोजर की डेफिनेशन, क्लोजर इज दी इंटरसेक्शन, आल्सो क्लोज सुपर सेट, सुपर सेट्स सुपर सेट ऑफ दिस। तो ये देखिए ये ना एक सेट है, इसका हम क्लोजर निकाल रहे हैं। तो पहले देखें कि ये किस किन क्लोज सेट में कंटेन करता है, सिर्फ इसमें करता है, तो ये आएगा ना, क्या ख्याल है, ये गलत कह रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल चले शाबाश, बी को यही ये आएगा, बताएं, बी को ये बताएं, शाबाश यही आएगा। ठीक है, जबरदस्त, सिमिलर है ना। एक्सपोन ओहो क्या हो गया, एक्स कैसे आएगा। अब ये देखें बी कंटेन किस किस में करता है, ये बी इन क्लोज में से किस किस में कंटेन करता है, इन क्लोज में से एक तो कंटेन करता है एक्स में, गर्टन एक कंटेन करता है इस क्लोज में भी करता है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है, इन दोनों की, तो क्या आएगी इन दोनों की इंटरसेक्शन, आएगी तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि बी नहीं, बी आएगी, सॉरी ये तुमने सही लिखा था, नीचे लगा था, बी आएगी। तो ये देखें दोनों डिफरेंट है ना, तो जब सिंगलटन सेट के क्लोजर डिफरेंट होते हैं तो स्पेस क्या होती है, टी नॉट होती है कि नहीं होती, होती है। होती है तो ये था जी थ्योरम, याद रखिएगा हर स्पेस का अपना थ्योरम है। अब ये टी नॉट था ना स्टैंडर्ड थ्योरम है, मैंने मतलब ये कुछ कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था 2015 या 2011 की, तो वो जो भी सर थे तो वो ना प्रॉपर डेफिनेशन अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हमने भी जो क्वेश्चन किया हमने दो दो तरीकों से किए, एक तो हमने प्रॉपर डेफिनेशन से भी किया और हमने थ्योरम से भी किया, तो मैंने थोड़ी देर के लिए वहाँ थ्योरम गया तो एप्लीकेबल हो जाता था, यही थ्योरम अप्लाई हो जाता था वहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्योरम है टी नॉट का, स्टैंडर्ड थ्योरम, कि हर सिंगलटन सेट का क्लोजर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। और ये बात फॉर ऑल ए बी के लिए ट्रू है, ये नहीं कि कोई दो। अब जाते हैं टी वन स्पेस के ऊपर, किसी को याद है तो सुना दे डेफिनेशन। किसी को याद है तो प्लीज डेफिनेशन सुना दें। नो सर, किसी को भी नहीं याद, टी वन सर मैं स्पेस, चलिए आप देख लें टी वन स्पेस, ये देखें जी, इफ फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी, यहां तक तो वही बात, देर आर टू ओपन सेट्स यू एंड वी विच कंटेन वन बट नॉट दी अदर, तो प्लीज इसमें कॉन्सेप्ट बनाइएगा कि जो टी नॉट है उसमें एक ओपन सेट चाहिए होता है जो किसी एक को कंटेन करे, इसमें आपको क्या चाहिए होते हैं, दो ओपन सेट चाहिए होते हैं जो कि क्या करें, अलग अलग कंटेनमेंट करें। ओके तो आप एटलीस्ट जो सोचे जो सेरपेंसकी स्पेस मैंने बनाई थी, मेरा आपसे सवाल है ये सोचे मैंने, ये टी वन होगी या नहीं होगी, कौन सी होगी, ये होगी, होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, सर नहीं होगी, रीजन क्योंकि उसमें एक एक मिल रहा है जिसमें ए है अलग से। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है, ए और बी अगर मैं लेता दो हूं तो ए तो मुझे मिल रहा है, यू मुझे मिल रहा है सिंगलटन ए जो कि ए को कंटेन कर रहा है,
और बी को कंटेन नहीं कर रहा, लेकिन जो वी मुझे मिलता है एक्स, बट प्रॉब्लम ये है इसमें दोनों कि पड़े हैं। हाँ ये इसमें दोनों पड़े हैं, लिहाजा जो ये है ना ये टी वन नहीं है। ठीक है अगला सवाल है आर, सोच ये तो होगी भाई ये तो होगा, मुझे वो याद आ गया। तो मुझे बताएं कि ये क्लियर हुआ सबको भाई, स्पेस की डेफिनेशन क्लियर हुई है जो मैंने एग्जांपल करवाई है। तो ये देखिए वही बात कर रहा था कि ये जो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये सिर्फ इसकी स्पेस जो होती है वो टी वन नहीं होती। तो वो इधर से हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि टी वन जो टी नॉट होगी वो टी वन होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन जो टी वन होती है वो टी नॉट होती है, ये छोटा सा प्रूफ हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है तो जल्दी से आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। पहली एग्जाम्पल, एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज अ टी वन स्पेस, क्या ख्याल है? जी सर। रीजन उसमें हर नंबर अलग अलग पड़ा, मतलब हमारे पास सेट्स होंगे जिनमें बड़ी सिंपल सी बात है, डिस्क्रीट ए अलग पड़ा है, बी अलग हाँ, पड़ा है, तो दो सेट हो गए। हाँ डिस्क्रीट स्पेस वो स्पेस होती है जिसमें तमाम सबसेट्स होते हैं, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उसमें सिंगलटन सिंगलटन ओपन सेट्स भी पड़े होंगे। तो जब सिंगलटन पड़े होंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्या ख्याल है? यस सर। तो आप ये सोचें कि जो इनडिस्क्रीट थी वो टी वन थी कि नहीं? वो नहीं है, वो नहीं एक ही, उसमें तो एक सेट भी नहीं मिलता। इसमें उसमें एक ही ओपन सेट होता है, उसमें एक ही ओपन सेट होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कि दोनों को कंटेन करता है, क्या करता है? दोनों को कंटेन, दोनों को। अच्छा उसके बाद ना ये मतलब वो तो टी नॉट भी नहीं है ना, टी नॉट तो था वो जब मैंने दो पॉइंट्स पर रखे थे। ये देखो ना अभी एग्जांपल लगा, ये देखो ना ये पढ़ जरा, at let x be an indiscrete space with at least two points then x is not a t naught space, clear? जी सर। वही नहीं होगी ना, आप क्या कह रही? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक मैं भी यही कह रही। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, मैंने मिस्टेक की, सोच लिया करें, आप माशा सोचती हैं अच्छी चीज़ें। तो नेक्स्ट है एग्जांपल, मैं कह रहा था रियल लाइन आर ना, तो अगर मुझे लग रहा है कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी का एम फिल का था कोई इंटरव्यू, या मैंने रिसेंटली कोई इंटरव्यू लिया, उसमें ना मुझसे ये पूछा गया था कि आर क्यों होती है, तो मुझसे ना ये कम वक्त भूल गई थी, ये वाले ओपन सेट्स, ये उन्होंने कहा था प्रूव करेंगे इस नाम होती है ना, तो मुझे पता था कि ये आर है टी वन, बट उस टाइम नहीं हो पाया। तो आप ये देखें कि the real line R with usual topology is a T1 space, ये तो खुदाबी बातें हैं ना। T1 space है तो क्या चाहिए भाई, बताओ शाबाश, क्या चाहिए? दो ओपन सेट्स चाहिए ना R पॉइंट्स के लिए, क्या ख्याल है? तो वो बता रहा है, वो बता रहा है, कहता है मैं ये और B आगे से जो कि डिस्टिंक्ट हो, जो कि डिस्टिंक्ट हो, और रेडियस मैं क्या ले लूँ, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस में रेडियस ले लूँ। जस्ट इमेजिन कर लेंगे मैं आर ले लूँ, ए ले लूँ वन, बी ले लूँ टू, या बी ले थ्री ले करके डिफरेंस, या फोर ले करके डिफरेंस चेंज आए तो आर थ्री आ जाएगा। तो कहते हैं एक ओपन इंटरवल ये बनता है, दूसरा ओपन इंटरवल ये बनता है। तो सोचे ज़रा, सोचे ज़रा इसमें होगा, इसमें एक और दूसरा ना हो, होगा। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शायद आपकी, भाई सोचें इसमें किस में ए, चलिए मुझे ये बता दे ए किस में, बी किस में, चलिए ये बता, ए पहले वाले में नहीं, तो नहीं है। अच्छा नहीं है। मैं इसमें यही सोच पूछ रहा हूँ आपसे कि ये लिखा क्या हुआ है मेरे भाई, ये लिखा हुआ है ऑप्शन बहुत लिखी हुई है, पहली बात तो ये।
जो लिखा हुआ था ना, ये ओपन बॉल लिखी हुई थी, बी वन ए आर बाई टू। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है ए, अब इसका मतलब ये है ना बी या एक्स रेडियस आर बाई टू वाली, हाँ जिसका रेडियस टू हो और सेंटर ए हो, तो वो क्या होगा, वो ओपन इंटरवल होगा ना इस तरह। कैसे? कि ए प्लस आर बाई टू और ए माइनस आर बाई टू, ये है ना, इसका मतलब ये है जी सर। तो इसके अंदर क्या बी नहीं होगा, इसके अंदर क्या ए नहीं होगा? होगा होगा, तो इधर इधर सेंटर में होता है ना, इनकी एवरेज देनी हो, इसकी एवरेज दे लो, तो ए इसके अंदर है जी सर, बी नहीं है। और बी क्यों नहीं है ये चलिए बताएं, बी क्यों नहीं, ये बी से मतलब इसका रेडियस इतना है कि बी से पहले ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, वो बी माइनस ए आर है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड ओपन सेट्स थे जो तुम जो पूछ रहे थे। उसके बाद है ये देखें, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, तीन पॉइंट्स लिए और टॉ में लिया सिंगलटन ए फाइव एक्स, नोट आर टी वन स्पेस, मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया था। ठीक है, सही है ना, कोई दो ओपन नहीं मिलता ना, तो दोनों को। यस सर। अच्छा आगे देखो, एनी इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज अ टी वन स्पेस, क्या मतलब? इनफाइनाइट सेट तो और टोपोलॉजी उसके ऊपर कोफाइनाइट हो तो फिर मुझे बता देंगे वो टी वन कैसे होगा, क्योंकि वो फाइनाइट बनेंगे ना, फिर कोफाइनाइट जो कॉम्प्लीमेंट ए के निकाली है नीचे देखें, और उसमें नीचे देखें जरा, हियर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स माइनस एक्स एंड एक्स माइनस वाई आर ओपन सेट्स विद रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए, अगर मैं एक्स वाई में से एक्स में से एक्स और वाई लेता हूँ तो हमें दो, हाँ हमें दो ओपन सेट्स मिल जाते हैं ना, पहले वाला वाई, पहले वाला वाई कंटेन करता है, दूसरे वाला एक्स कंटेन करता है, क्या ख्याल है? जी सर। और बेसिकली अगर एक्स इनफाइनाइट है, ठीक है, समझ आ रही है बात? जी देखिए, कोफाइनाइट पॉलिसी क्या होती है, पहले ये समझे, जो कॉम्प्लीमेंट लेके बनाते हैं हम हर सेट का, उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट या इनफाइनाइट? कॉम्प्लीमेंट तो एक्स ही आता है। मैं कह रहा हूँ कि एग्जांपल एक्स इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, याद रखें इनफाइनाइट है, 10 बार सर्कल लगाना, आप टॉस सी बना रहे हैं, टॉस सी क्या होता है, हैविंग ऐसे सेट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट, ये बात तो क्लियर होगी, और यूनियन फाइव ही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर मैं x और y लेता हूँ, x में से belongs to x, u और v, u में लेता हूँ x minus x, v में लेता हूँ x minus y, पहली बात तो ये contain करेगा y को, ये contain करेगा x को। मेरा आपसे सवाल ये, u और v toss e में होंगे भी या नहीं होंगे, ये मुझे बताएं। अगर मैंने चेक करना हो कि ये टॉस ई में है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है कि नहीं? यस सर, इसका कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन एक्स ही बन रहा है, वो फाइनाइट है। मैं ये आपसे पूछ रहा था कि यू का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताएं, वी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताएं, क्या आएगा? एक्स सिंगलटन है, इसका वाई सिंगलटन, इसका क्या आएगा, सिंगलटन वाई, क्योंकि सिंगलटन वाई, एक्स में से इसको माइनस करना है सेट को, जब मैं x में से माइनस करूंगा तो जो नहीं है वो तो आएगा ही आएगा। आई होप आपको बात पे होगी, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि ये देखें, टॉस ही में बिलोंग तब करेंगे जब मेरे कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट भी आपको निकालने आने चाहिए। तो एन इनफाइनाइट सेट x विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज अ
T1 स्पेस इंशाल्लाह 15 या 11 नंबर खोलेंगे तो आपको ये नजर नहीं आएगा, ऐसे ही लिखा होगा एन फाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज व्हाट, तो आपने लिखना है T1 स्पेस। बेसिकली पता है एमसीक्यूज क्या था, गुड हो गया, एग्जैक्ट एमसीक्यूज ये आता है, एमसीक्यूज ये था आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी is T0, T1, T2, none. वैसे T0 तो होगी ही होगी, तो ये क्या है, हमारे भी बात को satisfy नहीं कर रहा, R क्या होता है, infinite नहीं होता, जी सर, तो जब जी सर, जब set infinite हो ना, तो co-finite topology अगर हो तो वो T1 होती है, तो अगर मैं R की जगह पे N लिख दो, किसी को याद है कि N पे कौन सी topology बनती है? n+1 n+2 वाली, हां कल बनाएंगे। तो ये बेसिकली आपका एमसीक्यू आया हुआ था कि आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज, तो बेसिकली वहां पे ये थ्योरम अप्लाई हो रहा था कि अगर सेट इनफाइनाइट हो तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के साथ मिला के वो T1 बन जाए। सर हमने x इनफाइनाइट लिया है तो mp का कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट नहीं होगा, mp लेना नहीं होता ना, u वो लेने होते हैं जो कि उसके अंदर जो कि पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं। अच्छा सर, यू और वी वो लेने हैं जो पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं। तो खैर आगे चलते हैं थ्योरम, मैंने आपसे क्या कहा था कि हर स्पेस का अपना थ्योरम है, टी नॉट का थ्योरम क्या था, रोहिन और कि हर सिंगलटन सेट के क्लोजर क्या हो, इक्वल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। अब T1 का थ्योरम, following statements about a topology space are equivalent. That x is a T1 space. Each one point subset of x is closed. Each one point subset of x is closed. अब मुझे बताएं closeness के कितने criteria से check करना है? जीनत अक्सा जीनत आप बताएं। कैसे कैसे पता चल सकता है कि set closed है? इतने अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा फिर भी पता लग जाएगा, सेट क्लोज हो जाएगा, एक और अगर वो फाइनाइट होगा लिमिट पॉइंट उसी में आ जाए ना, कोलाइयर वही बन जाए, कोलाइयर उसी पे इक्वल आ जाए, इक्वल टू ए हो तो ए क्लोज्ड हो जाएगा। ये आपने सही कहा, मैंने कहा था कि वो फाइनाइट, सर अगर ए अपने कोलाइयर के इक्वल हो, हां ए अगर अपने कोलाइयर के इक्वल हो तब भी क्लोज होता है, अगर वो सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर ले तो अभी क्लोज होता है। एक्चुअली ये दोनों बातें सेम ही है, लिमिट पॉइंट्स कंटेन करे और या वो ए कोलाइयर ए के इक्वल हो, ये दोनों बातें सेम ही है। सर ड्राई सेट एम्प्टी हो जाए तब भी होता है क्लोज, वो एक्चुअली वही है ना, कोलाइयर उसके इक्वल हो। आगे बढ़ते हैं, ईच सबसेट ए ऑफ एक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट्स, इसका मतलब समझा दें, मान लो हम सो ईच सबसेट ए ऑफ एक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट्स, क्या मतलब है इसका, अगर इसका मतलब समझ आ गया तो मुझे समझाएं कि मैं इसको ऊपर कैसे अप्लाई कर सकता हूं, कहां पे प्लेयर के बारे में, नहीं क्लोजर के बारे में होता है, हुसैन भी क्लोज होता है ना, मतलब ए जिस जिस में कंटेन कर रहा है उनकी अगर इंटरसेक्शन लें तो वो ए के इक्वल आ जाए, मतलब सुपरसेट्स देखें जिसमें भी ए होगा उनका इंटरसेक्शन ले लें, हम जरीश जो ओपन सेट्स लेंगे वो कहां से, ओपन जिनमें ये ए कंटेन करेगा, अच्छा नहीं मतलब टॉप ज्यादा सी लेंगे ना, अच्छा सर मुझे ना प्रॉब्लम ये आ रहा है, ऊपर एग्जांपल नहीं है, ऊपर एग्जांपल होता तो हम चेक कर लेते इस थ्योरम को, तो वर्डिंग भी सुन लें, इंशाल्लाह पेपर भी बनाए ना, वर्डिंग भी सुन लें कि अगर आपने किसी स्पेस को टॉप में चेक करना है, एक तो ये दिया है कि उसका हर वन पॉइंट से क्लोज, मतलब सारों के क्लोजर लेने से मान 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 करके अगर वो इट्सेल्फ आते जा रहे हैं, ये है एक ये
था कि वो पूरे कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए। और थर्ड सी जो पार्ट है, सी ये कह रहा है कि आप कोई भी स्पेस के अंदर कोई भी आप सेट लेते हैं, ठीक है, मतलब स्पेस के अंदर नहीं, सॉरी, ऐसा कोई भी सेट लेते हैं ना, तो वो टॉ के सेट्स की इंटरसेक्शन, सिंपल इज दैट। एक्स का कोई भी सबसेट टॉ के एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन, अगर एक्स का कोई भी सबसेट टॉ के एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन होगी तो क्या होगी, स्पेस टी वाली होगी। तो इंशाल्लाह याद रखिएगा, जब कोई एमसीक्यूज वगैरह करेंगे तो उसको हर एंगल से हम चेक करेंगे। तो उसके बाद है जी क्रोल, पढ़े, स्पेस एक्स इज अ टी वन इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। ये पढ़े, स्पेस एक्स इज अ टी वन स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। पढ़ लिया। अब मैं एक बात बताऊँ आप सबको, जी सर, आर के बारे में क्या ख्याल है, आर का हर फाइनाइट सबसेट क्या होता है? क्लोज। हमने स्टार्ट में पढ़ा था, स्टार्ट में आप एक दो लेक्चर सुने तो हमने इतनी जान मारी थी ना, आर के सिंगलटन लिए थे, डबल लिए थे, हम जो भी उनका लिमिट पॉइंट फाइंड करते थे लिमिट पॉइंट आते ही नहीं थे। तो आर के अंदर किसी भी फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आर के अंदर हम सारे फाइनाइट सेट्स क्लोज है ना, तो वो भी टी वन बन जाती है। अब देखिए, मैंने आर को दो तरह से टी वन चेक किया, एक तो मैंने उसका प्योर थ्योरम उसकी से उस पे गया हूं डेफिनेशन पे गया हूं, और एक ये थ्योरम भी लग रहा है, अगर स्पेस को टी वन चेक करना है तो आप ये चेक कर लें कि उसके क्या सारे फाइनाइट सबसेट क्लोज हैं कि नहीं। तो आर वन के हर फाइनाइट सेट आर वन का क्या होता है, क्लोज। हर फाइनाइट सेट आर का क्या होता है, क्लोज। इनफाइनाइट क्लोज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल मौजूद है, क्यूब, क्यूब का जो क्लोज होता है वो क्यूब नहीं होता बल्कि क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है? और नहीं गुड होता। गुड गुड, मुझे लग रहा है जवाब है सर, ठीक है। और क्यूब का क्लोजर आर होता है, ठीक है। अच्छा, एवरी फाइनाइट टी वन स्पेस इज डिस्क्रीट, तो क्रोलरी है कि एवरी फाइनाइट टी वन स्पेस इज डिस्क्रीट। तो आपको पता है कि हर डिस्क्रीट स्पेस टी वन होती है कि नहीं होती? होती है। ठीक है, तो कहते हैं अगर आपने कन्वर्स चेक करना है कि वो क्या हर डिस्क्रीट टी वन होगी कि नहीं होगी, तो आप देख सकते हैं एवरी फाइनाइट टी वन इज डिस्क्रीट। टी वन हो और फाइनाइट भी हो तो वो डिस्क्रीट हो। क्लियर? जी सर। तो ये कोई इतना खास नहीं थी क्रोल भी, लेकिन ये ऊपर वाली बड़ी जबरदस्त थी, ये बनी। और जो मैंने ऊपर आपको आखिरी एग्जांपल नहीं बताई कि एन फाइनाइट सेट विद को फाइनाइट टोपोलॉजी इज टी वन, इसको रटा मार, क्योंकि एक बार आया हुआ है तो पता क्या करेगा, वो सेट चेंज कर देगा, आर की जगह क्यू लिख देगा, एन लिख देगा, और आपसे कहेगा जी कि अगर एन विद को फाइनाइट टोपोलॉजी या जेड विद को फाइनाइट टोपोलॉजी, छोड़ के आ गया, क्योंकि हर जगह पे चेक नहीं करना होता, कुछ थ्योरम भी ट्राई करना। एवरी फाइनाइट ये हमने पढ़ लिया, उसके बाद थ्योरम है, ये मुझे लग रहा है इतना खास नहीं है, पढ़ लेते हैं। लेट एक्स बी एन टी वन स्पेस एंड ए बी एस सबसेट ऑफ एक्स, इफ एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए देन एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए। तो कहता है अगर एक्स टी वन स्पेस है स्पेसिफिक नहीं, पहली बात, अगर एक्स क्या है, टी वन स्पेस है और स्मॉल एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, तो याद रखिएगा कोई भी ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करे ना, वो ए के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा। तो इधर से यही साबित हो जाता है कि वो जो एक्स होगी वो एटलीस्ट फाइनाइट स्पेस पर ही है, अगर वो उसका सबसेट इनफाइनाइट है तो वो एटलीस्ट खुद तो वो फाइनाइट नहीं आएगा। क्लियर है? कोई इतना खास थ्योरम नहीं है, लेकिन फिर मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, हर रोज़ाना कह रहा हूँ टोपोलॉजी लीनियर अलजेब्रा और ये जो इसको डेली पढ़ें, डेली थ्योरम्स और डेफिनेशन रटा मारते हैं, क्योंकि थ्योरम ऐसे एग्जैक्टली कट और पेस्ट आ जाते हैं। बात ज़्यादा लंबी होती जा रही है। इन अ टी वन स्पेस, इन अ टी वन स्पेस नो फाइनाइट सबसेट हैज अ लिमिट। ये बात पढ़ने के बाद आपको आर तो एटलीस्ट क्लियर हो जाने चाहिए, आर जो है ना रियल लाइन, क्या
क्या ख्याल है, इधर से आप क्या बताएंगे मुझे, क्या आपको एक चीज नहीं पता चली? मतलब कि उसके लिमिट पॉइंट नहीं है, वो क्लोज है, वही ऊपर वाली बात हो गई। ऑलमोस्ट वही ऊपर वाली, लेकिन आइंदा आप ये भी कह सकते हैं चूंकि आर टी वन है, ठीक है, तो कोई आपको वाइवा लेता है, कोई इंटरव्यू लेता है, उसके अंदर आपसे पूछते हैं कि वन का लिमिट पॉइंट क्या होगा, वन मतलब ऐसे एक फाइनाइट सेट, इसी तरह वो थाउजेंड तक काउंटिंग ले लेते हैं, कहते हैं इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो आप लोग कहने के क्योंकि ये टी वन है, वैसे मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है कि जब सेट फाइनाइट हो तो आर वन के अंदर वो क्लोज होता है, लिहाजा उसका कोई लिमिट पॉइंट होते ही नहीं, ठीक है। जी सर, तो ये भी आप कह सकते हैं कि टी वन अगर होगा ना तो उसका कोई फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट हो गई, तो आर रियल आर जो होती है टी वन होती है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बाहर बड़ी होती जा रही है रीजन पे, थोड़ा सा एक वर्क कीजिएगा, मैंने तो इसके शीट्स बनाई होती हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, फ्लो चार्ट होता है टोपोलॉजी को समझने के लिए, फ्लो चार्ट बनाए आप जिसमें आप सेपरेशन एक्सिम ऊपर लिखें पेज पर सेपरेशन सेपरेशन एक्सिम्स डेफिनेशंस उसकी सारी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स और ऐसे एरो के साथ बताएं कि कौन सी क्या है कौन सी क्या है, तो ये चीज़ें आपको काम देंगी इंशाल्लाह, तो मैं करें तो बेहतरी होगी। उसके बाद है टी टू स्पेस और हाउस ऑफ स्पेस, ठीक है जी, आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें वही बात होती है जो टी वन में, लेकिन एक बात एक्स्ट्रा आ जाती है कि जो यू इंटरसेक्शन वी है ना वो क्या होना चाहिए, एम टू टी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, और स्पेस एक्स इज सेड टू बी हाउस ऑफ स्पेस और टी टू स्पेस, टी टू को हाउस ऑफ स्पेस कहते हैं, ठीक है, इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एक्स देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स यू एंड वी सच दैट ए इज कंटेन्ड इन यू बी इज कंटेन्ड इन वी एंड यू इंटरसेक्शन वी इज एक्चुअली जब यू इंटरसेक्शन वी एम टी कह रहे हैं तो आपकी वो टी वन वाली बात कवर हो जाती है, क्या ख्याल है कि ए यू में हो बी यू में ना हो ए बी वी में हो ए वी में ना हो, तो एक्चुअली यही है ना कि जब यू इंटरसेक्शन एम टी होगी तो पहला मैं आपको पहली बात ये कहता हूँ कि हर टी टू टी वन होती है, ठीक है, वो इसी रीजन से कि ये सारी टी वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है, तो ये था स्टूडेंट्स एम सी क्यू, आपको इंशाल्लाह नजर भी आ गया, every metric space is a Hausdorff space, every metric space is a Hausdorff space. space, every metric space is a Hausdorff space, aur reason wahi hai ki let us say a metric space and a b are any two distinct points of x, then agar main demand distance or radius let kar lu to ye do open sets mil jate hain jo ki disjoint bhi hain aur separately a aur b ko contain karte hain, wahi r wali baat hai, आर में ये ओपन इंटरवल्स बन जाते हैं, आर स्क्वायर में ये ओपन डिस्क बन जाती है, एंड सो ऑन, तो एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज अ हाउसडॉर्फ स्पेस। उसके बाद है लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, चलिए सोचें आर आपके पास इनफाइनाइट है और उस पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो मुझे आप यस और नो में आंसर बताएं क्या वो होगी हाउसडॉर्फ या नहीं होगी, सर आपने क्या पूछा? मैंने पूछा क्या हाल चाल है आपको, क्या बना हुआ है आपने, तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैंने लीव करके ज्वाइन किया था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ना सेकंड एग्जांपल पढ़ें कि लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट, तो मैं ये कह के आया हूँ अभी हम कर के नहीं आए वो आर के बारे में कि वो इनफाइनाइट था विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी ना, जी सर, तो मेरा आपसे सवाल है कि टी वन तो होती थी क्योंकि थ्योरम हम पढ़ते हैं, अगर ऐसा इनफाइनाइट हो कोफाइनाइट टोपोलॉजी तो टी वन लाजमी होता है, ठीक है ना, जी सर, अब मेरा सवाल है कि क्या ये टी टू होगी या नहीं होगी, तो वो भी खैर दिखा दिए मैंने स्टूडेंट्स को, देन ओपन सेट्स इन एक्स आर फाइव एंड all those sets whose complements are finite, ये तो basic definition है ना, तो ये तो basic definition है cofinite topology की, आप check करते हैं कि ये t2 होगी या नहीं होगी, ये नीचे लिखा हुआ है this space is a t1 space, जो कि हम बता चुके हैं पहले, but not a t2 space, क्यों नहीं है देखते हैं, क्यों नहीं है जी, ये देखिए जरा, कहता है not a t2 space, कहता है suppose करें for suppose that is a, उसने contrary that कर ली है कि है, अगर है ना तो क्या होगा, देन फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी
there exists two open sets u and v such that ye puri condition hold karegi. Clear? उसने उल्ट लेट कर लिए. अगर मैं कह दूं कि टी टू है तो जी सर, बट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स आर फाइनाइट. बट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स आर फाइनाइट सो दैट फ्रॉम दिस. अच्छा हाँ गुड हो गया. देखे ना ये यू इंटरसेक्शन वी फाई आ जाता है ना, तो डी भाई फाई आ जाता है ना, ये डेफिनेशन है ना. आप दोनों मॉर्गन लाल गए मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स होता है ना. फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स होता है और इधर डी मॉर्गन लाल से इंटरसेक्शन यू में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब मुझे एक बात बताएं, यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाइनाइट आएगा ना. Yes, sir. V complement क्या आएगा? Finite है ना? Finite. तो जब finite की union क्या आएगी? Finite आएगी. Finite. X क्या बन जाएगा? Finite बन जाएगा. Finite. लेकिन X था क्या? Infinite. Infinite. तो थोड़ी लंबी कहानी हो गई है, but आप याद रखिए हमारे लिए वो कि जो X को finite को इसलिए मैं कह रहा हूँ flow chart में ताकि हमारा students हैं. तो आसिफ शायद आप बात हो नहीं गई. तो याद रखने का एक्स को फाइनाइट और जी टी वन तो होती है बट टी टू नहीं होती. वो क्यों नहीं है? तो अदर एंड ऑफ थ्योरम है जी ये. तो मैं कुछ दिन पहले ये सोच रहा था इस थ्योरम के बारे में, मैंने कहा ये तीन कंजक्टिव तीन है, एक ये इससे आगे भी एक और है, इससे आगे दो थ्योरम और भी हैं. ये देखिए ये 8.3.4. तो मैं सोच रहा था कि वो क्यों नहीं प्रोडक्ट टोपोलॉजी के ऊपर जाता, मतलब प्रोडक्ट टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी ना, एस क्रॉस एस की जो. तो ये थ्योरम है इसको पढ़ते हैं. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ टोपोलॉजी स्पेस आर इवन. एक्स इज अ टी टू स्पेस, द डायगनल डी इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इज क्लोज इन एक्स क्रॉस एक्स. तो स्टूडेंट डेफिनेटली हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी नहीं पढ़ी और पढ़नी भी नहीं है. ठीक है, रिस्क ले रहे हैं लेकिन खैर नहीं पढ़ना. तो कहता है अगर डायगनल क्लोज हो जाए ना एक्स क्रॉस एक्स में तो भी जो x होती है वो t2 होता है. याद रहेगा ना इंशाल्लाह ये थ्योरम, ये आपने t2 का थ्योरम याद रखा. अच्छा वैसे अगर x में ले लूं रियल लाइन r, सुन रहे हैं सारे? जी सर. जी सर. x क्रॉस x क्या आएगा? R square आएगा, मतलब प्लेन आएगा. यस सर. तो प्लेन का डायगनल अगर मैं ले लूं वो y is equal to x है ना, वही डायगनल ही आएगा y is equal to x R square में. जी सर. तो वो क्लोज होगा या नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा आपने सोचना है. तो ये थ्योरम आप याद रखें. नेक्स्ट है इसी के नीचे बहुत थ्योरम है, ये भी कंसीडर किया जा सकता है कि लेट एक्स बी अ हाउस डॉग स्पेस देन एनी सीक्वेंस इन एक्स कैन कन्वर्ज टू एट मोस्ट वन पॉइंट, दस इन हाउस डॉग स्पेस लिमिट्स आर गिवन. ये क्या कह रहा है भाई? कहता है हाउस डॉग स्पेस के अंदर लिमिट यूनिक होती है, सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करता है उसकी लिमिट यूनिक वैसे ही होती है. हाउस ऑफ ओकेटी ये कंसर्न. उसके बाद ये एक और थ्योरम है जी कि लेट एक्स बी एन आर्बिट्री टोपोलॉजिकल स्पेस एंड वाई बी अ हाउस ऑफ स्पेस. कहता है एक्स कोई भी टोपोलॉजी हो और वाई जो है वो हाउस ऑफ टोपोलॉजी हो, और आप कहता है उसके अंदर एक कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन करें एक्स से वाई तक. तो कहता है जो ग्राफ होता है, आपको पता है ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं, बच्चों को बता रहे होते हैं कि बच्चों ग्राफ क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो कहता है ग्राफ क्या होता है, क्लोज होता है एक्स क्रॉस वाई. ठीक है, टी टू के बारे में हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है. और फिर तीसरा थ्योरम मैंने बताया तीन कंजक्टिव थ्योरम्स हैं, एक्स और वाई टोपोलॉजी हो और वही एफ कोई कंटीन्यूअस फंक्शन हो एक्स टू वाई, देन कहता है ये ऐसा सेट जो कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल दें, अगर ये क्लोज हो तो भी ये है. ठीक है, मतलब ये क्लोज होता है ये वाला सेट. तो मेन आप डेफिनेशन याद रखिए और ये थ्योरम्स की जस्ट स्टेटमेंट एक बार पढ़ लें तो आपके माइंड ये किसी कोने में इंशाल्लाह सही हो जाएंगे. तो हम जाते हैं अब इसके आगे रेगुलर और कम्प्लीटली रेगुलर.
छोड़ दे बेशक कोई मसला नहीं, बस हम मेन चीज़ याद रखें कि टी टू टी नॉट टी वन चेक कैसे करते हैं, और उनके बड़े बड़े थ्योरम जैसे टी वन का थ्योरम था कि टी नॉट का था कि हर सिंगलटन सेट के क्लोजर डिफरेंट हो, टी वन का मैंने आपको बड़ी मेजर चीज़ बताई है कि इनफाइनाइट सेट वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी वो क्या होती है, टी वन होती है और उसके अल्टरनेटिव भी मैंने आपको दो बार बताई, ठीक है। टी टू का कोई इतना खास नहीं है। उसके बाद है रेगुलर एंड कम्प्लीटली रेगुलर स्पेसेस, रेगुलर एंड कम्प्लीटली रेगुलर स्पेसेस। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये डेफिनेशन है, पढ़े जरा इसको। अच्छा आपने काम करना है अभी से, आज आपने वीडियो ना यूट्यूब पे सर्च करनी है, मैथ लॉजिक एक पेज है माशाल्लाह सर बड़ा अच्छा वो वहाँ पर आ रहे होते हैं, मैथ लॉजिक याद रहेगा। हेलो मैथ लॉजिक, मैथ लॉजिक यूट्यूब पे पेज है ना, यूट्यूब पे ऊपर ठीक है ठीक। उसमें ना आपने 2011 15 और 17 के उस बंदे ने पांच पेपर वीडियो में सॉल्व कर दिया होता है ना, हर हर वीडियो तीन चार पांच एमसीक्यू सर सॉल्व करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको देखना शुरू करें, 300 एमसीक्यूज हैं, जब वो सर आपको समझा रहे होते हैं तो 10 बातें साथ और बता रहे। तो कल या परसों या परसों आपने दो तीन दिनों में आपने वो 300 एमसीक्यूज की वीडियोस रिक्वेस्ट है, मैंने खुद भी देखी है, ठीक है। हम लर्नर हैं, हम हर तरफ से देखते रहते हैं जो अच्छी वीडियो लगे, ठीक है। तो आप नेचर इस तरह की बना लें, ये नहीं कि जब टेस्ट आता है तभी तैयारी हो, पैसे भी होते रहते हैं इंसान तो स्पेस को लाइक भी कर लें, और इन शाला करेंगे ना वो 300 एमसीक्यूज। बेसिकली रेगुलर स्पेस की बात आई तो मैं पढ़ाने से पहले बता दूँ ये भी एमसीक्यूज आया हुआ, ठीक है, क्योंकि ये नहीं आया हुआ एक्चुअली, एमसीक्यूज नॉर्मल के बारे में आया हुआ, कहते हैं स्पेस नॉर्मल है या नहीं है, तो ये अगर यूज होता है रेगुलर कंप्लीट रेगुलर अगर यूज होता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने चला कल आपसे पूछूंगा कि आपने कितनी वीडियोज देखी, पहले मैंने आपको पहले बताया था शहबाज अहमद की जिसकी हम इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं, उस बंदे का भी यूट्यूब का पेज है, आई थिंक उसने उसको भी आपने कोई नहीं देखा होगा। तो आगे था हाँ एस्ट्रोपोलॉजी x is said to be a regular space. If for any closed set A and any x not in A, there are open sets U and V. x A को contain करे, V A को मतलब x U में हो, A V में हो और उनके intersection में हो। इसको मैं कैसे अपने mind में save कर सकता हूँ इस definition को? Please मुझे guide करें। इसमें क्या डिफरेंस है इसमें और टी टू स्पेस में? यहाँ पे वी में एक सेट कंटेन कर, भाई बहुत बड़ा डिफरेंस हम मिस कर रहे हैं कि इसमें इस पहले आप दो पॉइंट्स लिया करते थे, अब आप एक पॉइंट ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं, समझ रही बात की? ये काफी मुश्किल जी सर, है स्पेस को रेगुलर चेक करना हो बहुत मुश्किल है। वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस देखिए, उसमें ना वो एक सर एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे तो मैं पूरा वो बोर्ड भर दिया था, क्योंकि इसमें सारे क्लोज सेट, पहली बात जो थोड़ा सुन लें, टोपोलॉजी आपके पास आएगी आपको चेक करना होगा रेगुलर है या नहीं, तो पहला स्टेप पता आपका क्या होगा, आप सारे सेट्स की क्या ले लोगे कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, बात याद रहेगी जो वो सेट्स आंसर आएंगे वो क्लोज आते जाएंगे, वो एस का रोल प्ले करेंगे, क्या रोल प्ले करेंगे ए का। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने पहला पहला अगर आपने क्लोज सेट ए वन चूज कर लिया, ठीक है ना, तो आपने एक्स कौन सा लेना है जो ए के अंदर ना हो, तो फिर आप कहाँ से लोगे, अगर ए के अंदर से नहीं लेना तो कहाँ से लोगे, बड़ी स्पेस में से लोगे ना, एक्स में से जी, तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा, मतलब आप x में x के वो वाले एलिमेंट्स चूज करोगे जो a में नहीं, ठीक है, फिर आप उस x के लिए और उस a के लिए दो ओपन सेट तलाश करोगे जो कि बहुत आसान काम है टोपोलॉजी, ठीक है, तो जो ये प्रॉपर्टीज खास हैं सेटिस्फाई है, तो इधर मुझे नहीं लगता है कि मैंने गेम किया होगा, लेकिन फिर भी ऐसे में ठीक है।
तो खैर जी कह रहा है कि इनडिस्क्रीट द इनडिस्क्रीट स्पेस इज ट्रिविली अ रेगुलर स्पेस। हम थोड़ी देर खामोश होते हैं सारे और सोचें कि क्या क्यों कह रहा है कि जो इनडिस्क्रीट है वो ट्रिविअली। सोचें वो जबरदस्त है। देखो ना मैथ लॉजिक है, मैथ लॉजिक भी है और वो दूसरा भी है। सर शहबाज है ना, वो एक बंदे हैं टीचर है। मैथ लॉजिक भी लाइक कर लो। और एक और बताता हूँ, नेहा अग्रवाल है इंडियन, वो बड़ा यार जबरदस्त करती है। वो तुम्हारी ट्रेनिंग में भी थी, ट्रेनिंग में भी हमें कहते हैं वो उसको। ट्रेनिंग कैसा क्या मतलब है? आपने टॉपिकल सारे सॉल्व तो कर रही है ना? मुझे याद है कि आपने लॉ के सारे टॉपिकल सॉल्व किए। क्या चल रहा है, तैयारी कर रहे हो कि ऐसे ही मुंह उठा के आना सो? और अगर तुम्हारा पेपर फेल हुआ है तो मेरी तरफ से बाहर आए। हाँ भाई टाइम ज्यादा नहीं ले लिया? हेलो सेम, कौन बताना चाहेगा किस तरह हम इसको ट्रिवियली रेगुलर माने? हुसैन आप बता दें तो कैसे अगर उसको हम कहें कि वो कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना उसके ओपन सेट का, तो वो क्लोज सेट का किस बात पे? हेलो मुझे तो लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, या वो भी नहीं है जी सर। मैं कह रहा हूँ ये किस तरह ट्रिविया रेगुलर है? एक मैं जरा पेन पे लिख रहा हूँ और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आता हूँ क्लास के बाद और ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? और हर बंदा क्लियर वॉइस में, क्लियर वॉइस में नहीं तो प्रॉपर एक लिख के वो पेज के ऊपर इंग्लिश में कि किस तरह ये इंडिस्क्रीट हुई है। ऐसे तो ऐसे ही आप लोग बिल्कुल काम नहीं करते। उसके बाद है T3 space की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, याद रखें। मेन आपने T0, T1, T2 पढ़ लिया, बस वही मेन। तो कहता है T3 space में दो क्वालिटीज होती हैं, एक तो वो क्या होती है T1 होती है, एक वो क्या होती है रेगुलर होती है, ठीक है? ठीक है भाई। तो उसके बाद है ये थ्योरम, ये आप इसको जस्ट एक आई रीडिंग इसे कर लें, क्लियर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं ताकि हम कम्प्लीटली रेगुलर भी हो जाएं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपसे ये आप थ्योरम बस इसका याद रखें, कम्प्लीटली रेगुलर इज रेगुलर। और उसके ऊपर खैर देख भी लें कि ये कम्प्लीटली रेगुलर की ये डेफिनेशन है। ये पूरा आपने पैच पढ़ना है और उसके बाद ये कम्प्लीटली रेगुलर रेगुलर होती है। ये आपके माइंड में इंशाल्लाह याद रहेगा क्योंकि हमारे दोस्त कहा करते थे क्यों तो वो कम्प्लीट है ना यार, तो एटलीस्ट रेगुलर तो होगी। तो ये इस तरह भी कॉन्सेप्ट ऑफ देश। तो उसके बाद है अ कम्प्लीटली रेगुलर T1 स्पेस इज टेक्नर स्पेस और अ T3.5 स्पेस। तो ये बहुत रेयर है किसका आ जाए, बट स्टिल आपको डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट, एवरी कम्प्लीटली रेगुलर T1 स्पेस इज हाउस्ड ऑफ थ्योरम्स। आपने मजीद की बुक लगाने का मकसद सिर्फ मुझसे कुछ दिन पहले सरासिम और सर पूछ रहे थे सरासिम कि ये मैंने क्यों दोनों लगवाई हुई है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सरासिम आपको पता है पेपर लॉ लिया बनाने, वो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट करते हैं मजीद की बुक से, इसकी भी है ग्रुप की भी है। तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स आपने पूरी बुक की एक बार आई रीडिंग इंशाल्लाह कर लेनी है, इंशाल्लाह आपके माइंड में याद रहेंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है? एवरी कम्प्लीटली रेगुलर T1 स्पेस इज हाउस्ड ऑफ, मतलब कम्प्लीटली रेगुलर भी हो और T1, अगर सिर्फ रेगुलर T1 हो तो वो कौन सी होती है? भाई अगर रेगुलर T1 स्पेस हो तो वो क्या डेफिनेशन? T3 की डेफिनेशन है ना? T3 है।
और कंप्लीटली रेगुलर टी वन होगी तो वो टी टू बन जाएगी, ठीक है। टी टी टू हाउस ड्रॉप की होती है ना। तो मैं जाना चाह रहा हूँ बेसिकली, ये फिल्म देख लीजिएगा जो भी आगे आ रहे हैं, स्टेटमेंट सब याद रखें और एक फ्लो चार्ट सा बना लें किसी कॉपी के ऊपर। आपके 8-10 पेजेस लगेंगे, आपके सारे थ्योरम्स और वो आ जाएंगे, डेफिनेशन और एग्जांपल्स, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है जी नॉर्मल स्पेस, मैं इसलिए आया हूँ कि एमसीक्यूज है नॉर्मल। डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन ये स्टूडेंट डेफिनेशन है, आपको बड़ा याद आएगी वो वाली रेगुलर स्पेस। पढ़ें, अ स्पेस एक्स इज सेड टू बी अ नॉर्मल स्पेस if for any two closed disjoint subsets a and b of x, kya zarish do differences hain? Basically ye ki sir mere network ka koi masla ho gaya shayad, pata nahi kya, mujhe to screen hi show nahi ho rahi, main 3 dafa leave karke join kiya sir regular mein। हाँ बोले, ऐसा कुछ कह रही हैं सर, रेगुलर में यू से एक पॉइंट बिलोंग करवाते थे, यहाँ यू एंड वी दोनों से सेट कंटेन करवा ये टिप। हाँ दो क्लोज है, दोनों क्लोज है, उसमें एक पॉइंट ही सेट था, इसमें दोनों क्लोज है। और ये डिसजॉइंट वाली बात आपने भूलनी नहीं है, वैसे तो नहीं बोलनी चाहिए, क्यों तो खुद सोचे ना, उधर भी जो रेगुलर में डेफिनेशन थी उधर क्या था कि एक्स ए के अंदर से ना हो, तो एक्चुअली इसको हम उससे कंपेयर कर सकते हैं कि जब ए बी में से ना हो तो इट्स मीन ए और बी डिसजॉइंट। तो भाई आगे वही है कि दो यू दो वन सेट्स हों, ए यू के अंदर हो, बी वी के अंदर हो, और दोनों के इंटरसेक्शन क्या हो, एम्पलीट्यूड हो, तो खुशी की बात सुन लें, हमारा सेपरेशन एक्सियम एंड हो गया बाय डेफिनेशन। टी वन नॉर्मल टी वन टी फोर होती है, रेगुलर टी वन क्या होती है टी थ्री, नॉर्मल टी वन क्या होती है टी फोर। टी फोर अगर आपने चेक करनी होगी, आप दो बातें चेक करेंगे, सबसे पहले क्राइटेरिया बता दो, अगर कोई स्पेस वो कहता है चेक करो टी फोर है या नहीं, पहले आपने टी वन चेक करनी है, अल्लाह करे वही ना हो तो जान चुके। अगर वो टी वन है अगला टारगेट होगा नॉर्मल, नॉर्मल चेक करने के लिए जो आपको टोपोलॉजी दी हुई है सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, ओपन सेट्स की कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे ताकि आपको क्लोज सेट्स मिलते जाए, फिर आपने उन 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 क्लोज सेट्स के पेयर बना लेने हैं ए और बी, ए और बी, ए और बी, जो आपस में डिसजॉइंट है, और इंशाल्लाह वो कम होंगे, टेंशन नहीं, वो कम कम होंगे। फिर आपने उन उन सेट्स के लिए आपने यू और वी ढूंढने हैं जो कि आपस में डिसजॉइंट हो और ए और बी को कंटेन करें, तो यकीन जाने कि नॉर्मल चेक करना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू रेगुलर, बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा आपको एक बात समझ आ गई होगी कि हम थ्योरम्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे टी वन के बाद, क्यों, क्योंकि थ्योरम सॉरी एग्जांपल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे टी वन या टी टी वन के बाद और हम थ्योरम से एम दे रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि इतनी ज़्यादा कंडीशंस हो जाती हैं यहाँ, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हम प्रॉपर डेफिनेशन अप्लाई ही करें, हमें कोई चोर रास्ता मिल जाए, जैसा कि चोर रास्ते का मतलब ये है कि जैसे वो एक मैंने आपको वे बताया था कि आर विल को फाइनाइट टोपोलॉजी, अब दो स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो हैं जो बहुत कॉन्सेप्चुअल बनते हैं मेरी तरह होते नहीं, तो वो बेचारे लगे रहेंगे टी वन चेक करने के लिए, उससे नहीं होना, लेकिन अगर देखा जाए तो एक एक थ्योरम है कि आर विल को सॉरी इनफाइनाइट सेट विल को फाइनाइट टोपोलॉजी टी वन, ये स्मार्टनेस है, थ्योरम से होते हैं स्मार्ट करते हैं। तो उसके बाद एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस विद एटलीस्ट टू पॉइंट्स इज नॉर्मल, तो ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जरीश मुझे आप गाइड करें, अक्सा जरीश सादिया सुमेरा हमारा रेहा आलम सुना आलम सॉरी क्या कहते हैं, स्क्रीट स्पेस हो कम से कम दो पॉइंट हो तो नॉर्मल है, तो एक मिनट के लिए भी अगर आप सोचेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा कि कोई भी डिस्क्रीट सेट स्पेस हो होती है जिसमें तमाम तमाम सबस्ट्रेट्स, तो जब तमाम सेट्स के कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो भी वही वो क्या आएगा, भाई वही आ जाएगा ना, हेलो डिस्क्रीट सेट्स हां जी सर वही आ जाएगी डिस्क्रीट सेट्स में, इसीलिए कहते हैं कि हर जो डिस्क्रीट स्पेस होती है ना उसका हर सेट ओपन भी होता है और क्या होता है क्लोज भी होता है दोनों, क्योंकि वो अब इमेजिन कर लेंगे जब सारों में कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो उसके अंदर ही फैक्ट्री जाएगा, फैक्ट्री थोड़ी देर के लिए मैं तकलीफ करता हूँ आपसे कि डिस्क्रीट हो, अच्छा
पहला स्टेप आप ये करें कि आप सारों की कॉम्प्लीमेंट ले लो, डेफिनेटली तो बराबर ही आ जाएगी। अगली बात, आप कोई भी दो क्लोज सेट लें जो डिसजॉइंट है, ठीक है, सिमिलर टर्म ए में सिमिलर टर्म बी डिसजॉइंट, तो क्या ख्याल है आपको, क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो सेट्स नहीं मिलेंगे? मैं बताता हूँ, एक ए सी मिल जाएगा, एक बी डी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ओपन सेट्स हैं जो इन दोनों कंटेन कर रहे हैं और आपस में डिसजॉइंट, तो वो लिहाज से ये नॉर्मल बन जाएगी। और आपको पता है कि डिस्क्रीट टी वन होती है कि नहीं होती? डिस्क्रीट टी वन होती है कि नहीं होती? सर होती है। होती है तो क्यों होता है? बहुत सिंपल, कोशिश करें सर, उसमें अलग अलग जो पड़े होते हैं वो अलग अलग पड़े होते हैं, उधर पड़ा होता है, उधर पड़ा होता है, कैसे बताएं ना प्लीज। उसे ए अगर बी, सही कह रहे हैं भाई, जल्दी पाए ना, किधर गई है जो कह रही थी? अच्छा नेक्स्ट है एवरी मैट्रिक्स स्पेस इज नॉर्मल स्पेस, तो ये आपने याद रखना, एवरी मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है? नॉर्मल स्पेस होती है। तो ये अब खत्म हो गया होगा ऑलमोस्ट, ये चैप्टर खत्म हो गया। A normal T1 space, that's a T4 space is regular. हाँ ये भी इसका थ्योरम है। A normal T1 space is regular space. मतलब हर T4 space regular space होती है। थोड़ा सा भी अगर आप सोचें ना कि जो regular और normal की definition है ना, उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ normal में ही होता है कि दोनों sets होते हैं और जो रेगुलर होती है उसमें एक सेट और एक पॉइंट होता है, लिहाजा नॉर्मल और रेगुलर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। इसीलिए वो कह रहा है कि नॉर्मल टी वन होगी तो टी, मतलब जो टी फोर होगी वो रेगुलर तो लाजमी लाजमी होगी। तो फिर उसके बाद है क्लोज सब स्पेस ऑफ अ नॉर्मल स्पेस, नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल, कहता है कि नॉर्मल स्पेस ही अगर आप सब स्पेस लेंगे तो नॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है जब तक वो क्लोज ना हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, फिर उसके बाद एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ टी फोर स्पेस या टी फोर स्पेस। तो जो क्लोजनेस है, क्लोजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अभी याद रखनी है कि टी फोर स्पेस की सब स्पेस टी फोर होती है, नॉर्मल स्पेस की टी सब स्पेस नॉर्मल होती है, लेकिन अगर सब स्पेस क्लोज भी हो। उसके बाद क्लोज कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ अ नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल, जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपने लिख दी है। और ये 8-10 थ्योरम्स होंगे टोटली ये चैप्टर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो गए भी तो 20-30 सिर्फ आपको याद करने का। देखिए ना, ओ डी कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स और न्यूमेरिकल, ये कोई ऐसा याद करने वाले की चीज़ें नहीं है, ये आपके माइंड में रहती हैं, फिक्स रहती हैं। जो याद करने वाले हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वो अपने रटा मारने हैं। तो उसके बाद एक्सरसाइज है, इसको छोड़ दीजिए इंशाल्लाह। हम कल दोबारा शाम सीरीज जाके सेपरेशन एग्जाम का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर सॉल्व प्रॉब्लम एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि हम अगले 8-10 दिन यही करते रहेंगे टोपोलॉजी और फंक्शन। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, वो मेरा सवाल उसका जवाब दे। अच्छा, अब वो हम
स्टार्ट में सात बंदे थे और अभी एक भी नहीं है, मतलब 14 थे और नौ सर सात सात रह गए हैं, ये है चक्कर, छोड़ भी जाएगा। अच्छा ये अक्सर जिन्हें आप ये पूछ रहे थे ना, तो हम इंशाल्लाह अक्सर की हेल्प करते हैं, तो इसको देखें भाई। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज दिस, क्या कह रहे हैं, प्लेयर ऑफ अ सेट, थोड़ा आपने घुमा के भेजा हूँ। तो इसने पता क्या, मैं ये सोच रही थी कि अभी इस लेक्चर ने ये थ्योरम रिपीट किया है कि कोई भी फाइनाइट सबसेट का तो उसका लिमिट पॉइंट एम्प्टी सेट होता है। अगर यहाँ पे यूज कर ली तो इसकी थ्योरी उल्टी हो जाती है। इसमें जो आपके ओपन सेट्स हैं वो इंटरवल्स नहीं है, इसमें आपके ओपन सेट्स प्लीज बताएं ना भाई कौन से रहेंगे, 1 से आगे वाले, 2 से आगे वाले, 3 से आगे वाले, भूल गए ई, आई थिंक e1 e2 e3 कहते थे। हां जी अक्सर क्लियर नहीं हुआ अभी आपको शायद। ओके हां सर नहीं हुआ, नहीं जरीश कैसे बताएंगे इनको, जरीश हमारा सुमेरा रोहिन इनको हम कैसे गाइड करेंगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? n होगा कौन सा, e2 क्या होगा 2 से आगे, e3 क्या होगा 3 से ऑनवर्ड, तो याद रखना है कि n के अंदर जो टॉपिक डिफाइन करते हैं उसमें ओपन सेट से आगे होते हैं। चलते हैं सॉरी चलते हैं क्रॉस में, जो n के अंदर सॉरी जो हम अच्छा चलते हैं, तो जो हम n के अंदर ओपन सेट्स लेते हैं वो हम किस तरह के लेते हैं, 1 से आगे आगे 2 से आगे, ये पहला सेट है 1 2 3 4 5 6 वो n बन जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, वो E2 बन जाएगा, 3, 4, 5, 6, वो E3 बन जाएगा, ये बात ले रहे हैं, ये बात ले रहे हैं। Determine the closed subsets of N. Determine the closed subsets of N. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि किस तरह closed subsets of N find करने हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। A set is closed if and only if its complement is open. Okay? तो टॉप के अंदर n पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, e1 n ही है ना, e1 n, तो n का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, n के अंदर, n का कॉम्प्लीमेंट r के अंदर ना, नहीं n के अंदर नहीं, क्योंकि ग्राउंड स्पेस n है, तो n का कॉम्प्लीमेंट n भी पढ़ा हुआ है ना टॉप के अंदर, क्लियर, तो n क्लोज, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, अच्छा अक्सर आप हैंड भी यूज कर रही हैं,
एंट्री करती है यूज जी सर, वो ही वो तो आ रही जी सर, वो तो आ रहा था मैं ये वो तो लू कर रही है ना। हाँ ठीक आ रहा है मैं पादी। अच्छा खैर मैं ये कह रहा था कि एम का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई है जो कि स्टैंडर्ड, उसके बाद फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एन है जो कि टाउन पड़ा हुआ है, उसके बाद वन का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताएं एन के अंदर क्या होता है। टू से ऑनवर्ड होंगे, टू से ऑनवर्ड कौन सा ओपन सेट आपके अंदर टॉप के अंदर पड़ा हुआ है। ई टू, ई टू तो, और ई टू ओपन है ना जी, लिहाजा वन क्या होगा क्लोज होगा जी, सही हो गया। तो इसी तरह वन टू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो ई थ्री आएगा, और ई थ्री टॉप के अंदर लिहाजा वो ओपन है लिहाजा ये क्लोज है। इसी तरह सारों के लेते हैं तो फाइनाइट सेट क्लोज होंगे, ठीक है। हाँ एक और बात, अब ये एन फाइनाइट नहीं है लेकिन स्टिल क्लोज है, बात समझ आ रही है जिस तरह। वो जो आपने मुझे एक रटा लगाया होगा ना फाइनाइट सेट क्लोज होते हैं, वो आप उधर बात करते थे आर के, उसको आप भूलें और इसको डेफिनेशन, इतनी मजे की डेफिनेशन, सिंपल इज दैट कि सारे क्लोज हैं। ये पहला पार्ट क्लियर हो गया सबसे पहला क्या है बाय डेफिनेशन, और मैंने कल बाय डेफिनेशन एक सवाल करवाया भी था जिससे आई थिंक 37 तक नंबर्स थे ना, और उसको क्लोज क्या आया था 36 तक आया था, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं कर पा, मैं पहले देख लूँ वो पता क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्लोज की अगली डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है क्लोज की अगली डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, यही होता है ना, या इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए। अगर मैं इसको ए कह देता हूँ 724 47 85 को, ठीक है, इसको मैं ए कह रहा हूँ, समझ रही है ना, तो अब yes. तो अब मैंने क्या करना है, मैंने वो वाले क्लोज सेट्स देखने हैं जिनके अंदर ये वाला सेट कंटेन करे, एन तो होगा ना, ये मैंने फाइंड पहले पार्ट में यही किया ना, सारे क्लोज सेट फाइंड किए, एन तो है ना। अच्छा जी सर, है अब वन में तो नहीं है, वन में तो कंटेन नहीं करता ना वो सेट, लिहाजा से इग्नोर मारे, वन टू में तो कंटेन नहीं करता ना लिहाजा से इग्नोर मारे। तो आप इमेजिन कर लें कि आपका क्या होगा, 1 से 85 या 1 से 7 वाला सेट, फिर 1 से 85 वाला सेट, फिर 1 से सारे आगे 1 से 24 1 से 47, तो ये सारे सेट पड़े होंगे ना इंशाल्लाह क्लोज सेट्स के अंदर, क्या क्या है जी सर पड़े होंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला सेट किस किस सेट में आएगा, सबसे बड़े वाले में आएगा 1 से 85 वाले में, यस सर, तो फिर 2 वाले में भी तो आएगा, 2 वाले में बचे क्या, ओह माय गॉड वो तो ओपन है, क्या हो गया ऐसा जी जी सर, समझ गए, समझे ना, वो तो ऊपर की बात आप कर रही हैं, अल्लाह की बंदी क्लोज ये हैं, आपको माउस नजर नहीं आ रहा क्या कर सर, ये दीज आर क्लोज सेट्स, इनके अंदर देखो कि ये आपका कंटेन किस में करेगा, 1 से 7 वाले में भी नहीं करेगा, 1 से 24 वाले में भी नहीं करेगा, करेगा तो किस में करेगा, 1 से 85 में, और उससे आगे करेगा 1 से 86 में, 1 से 87 में, 1 से 89 में, लेकिन जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो स्मॉलेस्ट वाला आएगा ना 1 से 85, ये 1 से 85 पहले क्लोज क्या है 1 से 85। डन, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये नेचर को देखकर, मैं हैरान हूँ कि इसमें सिक्योरिटी वॉइस है, मैं पूछ रहा इस बार कुछ ना कुछ होने वाला है बीएससी में, क्योंकि बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं ना, कि आर का क्लोजर, फाई का क्लोजर, टेस्ट का क्लोजर, व्हाट द हेल इज दिस, कुछ डिफरेंट भी तो होनी चाहिए ना, आर के अलावा भी कुछ पूछना चाहिए ना। तो खैर अब अगला सेट है 3 6 9 12, चलिए सोचें। पहली बात तो ये है कि ये सेट इनफाइनाइट है, ये सेट ही क्या है इनफाइनाइट, तो
एटलीस्ट मुझे लग रहा है जो पहले वाली डेफिनेशन हमने पहले वाले अप्लाई किया वो इस पे अप्लाई होने से रही, क्या ख्याल है? क्योंकि हम इसका क्लोज सुपरसेट नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि क्लोज सेट्स तो ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं ना क्लोज सेट्स, तो ये वाले फाइनाइट वाले तो इसको कंटेन नहीं करेंगे अच्छा जी सर, सिर्फ क्या करेगा एन करेगा उसमें, तो जब उसकी परसेंट नहीं हो गया है एन ही आएगा। यस सही, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, तो बस यही पूछना, ये क्लियर हो गया होगा। और एक और एग्जांपल भी है, वो 1 से 30 से हम वाली, वो पता नहीं मैंने आई थी मुझे, मैंने वो बुक पढ़ाते वक्त पढ़ाई जी सर, अभी आपके सामने जाता हूं, जल्दी से मुझे बताना क्या। हां ये है, ये देखो, ये ए लिया हुआ है, शाबाश, 4 13 28 36। पहली बात तो ये, अगर ये इनफाइनाइट होता ना तो उसका क्लोज क्या होता है ना, अभी हम नीचे करके जी सर, अब इसका 1 से 36 तक आया कैसे है? आपने प्रॉपर्ली करना है, आपने क्लोज सेट्स लिखने हैं। क्लोज सेट्स कैसे निकालने हैं मैंने आपको बता दिया। वो क्लोज सेट्स कौन कौन से होंगे? n होगा, phi होगा, y होगा, 1 2 होगा, 1 2 3, 1 2 4। इसमें जो लिमिट पॉइंट फाइंड करना है ना हमने, ठीक है ऐसे क्लोज की बात कर रहा था सरीश, अच्छा 1 2 3 फाइंड करना है, 1 2 4, फिर हमें ये देखना है कि किस किस क्लोज सेट्स में ये कंटेन करेगा। तो मैं हैरान हूं कि, अच्छा नहीं हैरान नहीं सॉरी, ये लिमिट पॉइंट फाइंड हो गए हैं। मैं हैरान था कि 37 क्यों नहीं आ रहा क्लोजर, तो क्लोजर में क्या आ जाएगा भाई इसका, इस एक क्लोजर क्या होगा जल्दी बताएं। 1 to 37 तक होगा ना इसको क्लियर। जी सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।